तू मुझे गोली मारेगा? क्या हुआ? वेट 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 सर, क्या हुआ? भूत है सर, वहां देखिए सर। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, कूल इट, रिलैक्स रिलैक्स। अरे प्लीज शांत हो जाओ। देख लीजिए सर, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? ओके वेट 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 वेट, कूल रिलैक्स, एक मिनट में वहां जा रहा हूँ। वेट 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 वेट, रिलैक्स रिलैक्स सर, मत जाइए सर। सर सर, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। ये तुम्हारा वहम है। मैंने अपनी आंखों से देखा सर, सर मैंने आंखों से देखा सर, भूत है सर वहाँ पे। वेट 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 सर, वेट सर, वेट वेट जाइए सर, सर ठीक है मैं वहाँ पे जाता हूँ। भूत है सर, सर मुझे जाने दीजिए। हाँ रिलैक्स ब्रदर, देखो मैंने कहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह डर रहे हो। सर 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 स
सर मुझे बचा दीजिए। रिलैक्स, मैं उनका असिस्टेंट हूं। हाय फोक्स, वेलकम टू द इंटरव्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप में से सिर्फ एक ही इस कंपनी का सीईओ बनेगा, सो I wish you all success. So folks, आप लोग इस कंपनी के बारे में जानकर यहां आए हो, फिर भी समझाना मेरा फर्ज बनता है। 5 साल पहले यह कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे थी, लेकिन आज इस कंपनी का हाल बुरा है। रीजन, इस कंपनी का नंबर 1 रहने का कारण यह था कि इस कंपनी के पुराने सीईओ मिस्टर अश्विन अगस्टिन, वो काम में बहुत ही डेडिकेटेड, पैशनेट और हार्ड वर्कर थे। जितने भी हार्ड वर्कर थे, इस कॉर्पोरेट कंपनी में से बाहर निकाल दिया। क्यों और किस लिए, ये कारण बताने की मुझे जरूरत नहीं। वैसे उन्हें किसी एक प्रेशर की वजह से इस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह बाहर निकाले जाने वाले क्या करेंगे, अपोनेंट कंपनी में जाएंगे, उन्हें ज्वाइन करके हार्ड वर्क करके अपनी पुरानी पावर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिस्टर अगस्टिन, ये कंपनी में से निकाले जाने से पहले उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुइसाइड। और उन्होंने मरने से पहले इस कंपनी को अपने हाथों से
ये लेटर लिखा था। इट्स इन इंग्लिश, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा। आप सबको मेरा नमस्कार। इस कंपनी में मैंने सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया, यह कंपनी मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आप लोगों ने इस कॉर्पोरेट कंपनी को बदनाम कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस कंपनी को छोड़ के अपोनेंट के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मेरी कंपनी है, यही मेरा सब कुछ है, और मैं हूं इसका सीईओ। शुरुआत से भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही हूं। अगर इस कंपनी में और कोई सीईओ बना तो मैं उसे मार डालूंगा, नहीं तो मैं उसे पागल कर दूंगा। रॉट इन हेल एंड गुड बाय। लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे पीछे एक वॉल क्लॉक रखा है, उसमें अभी 3 बज रहे हैं। मैं अभी बाहर चला जाऊंगा, जैसे मैं बाहर जाऊंगा ये वॉल क्लॉक शुरू हो जाएगा। इस वॉल क्लॉक में जैसे ही 4 बजेंगे तब ये डोर खुल जाएगा। जैसे ये डोर खुलेगा उस वक्त जो जिंदा रहेगा वही कैंडिडेट इस कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ बनेगा। और अगर सब जिंदा रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू आप सब लोग सीईओ बनेंगे। सो आई विश यू ऑल सक्सेस। ये मेरी कंपनी है, ये मेरा सब कुछ है, मैं सीईओ। अगर इस कंपनी में कोई भी सीईओ बनेगा तो फिर मैं उसे मार डालूंगा, नहीं तो मैं उसे पागल कर दूंगा। रॉट इन हेल एंड गुड बाय। एक भी ऐसा नहीं है, सब डरपोक हो। सबके सब डरपोक है। ये क्या है, मास्क पहन के आ गया? सब लोग तो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। चल निकल। ए क्या तुम लोग भी चाहते हैं ना इसकी शक्ल देखना? निकाल रे। ए तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकाल बोला ना। ए चल मास्क निकाल। तुम खुद निकालोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तू मुझे इरिटेट मत कर, निकाल इसे, निकालने बोल। चल निकाल। तू नहीं निकालेगा। सॉरी, बुरा मत मानना, आग में झुलसने के कारण मेरी शक्ल बिगड़ गई है। मास्क निकाला तो इन्फेक्शन हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम मास्क निकाल सकते हो, क्योंकि यहां इन शक्लों में से तुम्हारी शक्ल तो अच्छी ही होगी। ओके मिस्टर सीईओ, वेयर आर यू मैन? मैं आपसे मिलना चाहता हूं अभी और इसी वक्त। कहां हो मैन? तुमने काफी डरा दिया हमें, लेकिन हम तो डरे नहीं सच में। अरे कहां हो आप?
कम ऑन मैन, हे तुम पागल हो क्या? आई एम टॉकिंग टू हिम, ओके? मिस्टर सीईओ अश्विन अगस्टिन, इज इट राइट? वेयर आर यू मैन? हे हे शट अप, मुझे उससे मिलना ही है क्योंकि अभी तक मैं उससे मिला नहीं हूं. आई वॉन्ट टू सी मैन, प्लीज. मिस्टर सीईओ कहां हो आप? वेयर आर यू? हाँ मिस्टर सीईओ, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच में. कम ऑन, कहां गई आपकी वीरता? क्या आप डरपोक हो? कहां हो? कम ऑन मैन, अश्विन शो अप, बाहर आओ, आजा. देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना यहां कुछ भी नहीं है, ये इंटरव्यू है और ये मैं ही जीत कर जाऊंगा. ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? जो उसने कहा था. इस कमरे में एक घंटे तक, इस घड़ी में अभी 3 बजे हैं और 1 घंटे के बाद मैं बनूंगा सीईओ. हाँ दोनों एक ही है. नहीं दोनों एक नहीं है. मैं 1 घंटे तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं अभी इस क्लॉक को एडजस्ट करता हूं. अरे कोई तो देखो इसे, हुआ क्या है? भूत देख लिया? सीओ भूत को देख लिया? आप तुम लोग समझ गए, भूत भूत कुछ नहीं है, सब यहाँ का. अरे क्या ब्रो, बहुत ज्यादा डर गए क्या? मैंने तो मरने का नाटक किया था, ज्यादा हंसी आ रही है. मैं तुझे समझा रहा हूं और तू हंस रहा है. लाइट किसने बंद की? लाइट बंद करके तू हमें डराना चाहता है? स्विच ऑन द लाइट्स.
तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो? Hey, relax, relax, relax. ओहो, तो यही आपकी पहचान है क्या? मैं यकीन नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा. hey, बस बहुत हुआ. मैंने तुझे पहले ही कहा. hey, उसे मेरे सामने आने के लिए कहो, तब मैं यकीन करूंगा. जो दिखाई नहीं देता मैं उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं अभी भी समझा रहा हूं. hey, अरे तुम लोग मेरे से भी डरने लगे क्या? कोई देखना चाहता है कि इसमें जान है कि नहीं? hey, ये इस तरह से चल रहा था. नहीं, उसका मास्क मत निकालना. छोड़ो, ये उसकी आखिरी चाहत थी. ए, अभी देखना जरूरी है क्या? मुझे उसकी शक्ल देखनी है. हमें अपनी जान कैसे बचानी है उसके बारे में सोचना चाहिए, समझे? प्लीज. मैंने कहा ना उसका मास्क मत निकाल. कूल, मैं मास्क नहीं निकालूंगा. मुझे इसका मास्क देखे इरिटेशन हो रहा है, इसलिए. देखो, अगर हम सब एक साथ रहेंगे तभी हम यहां से बच के निकल सकते हैं. एक साथ कैसे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये इंटरव्यू है. यहां सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, सारे नहीं. दैट्स इट्स लुक लाइक अ इंटरव्यू. देख यार, ये छोरी अंग्रेजी में बात कर रही है. मुझे तो ये इंटरव्यू नहीं लग रहा है. ये भूत ने हमें यहां पे जबरदस्ती रखा हुआ है. और अगर ऐसा चला तो हम सीईओ नहीं बन सकते. भूत के साथ रहेंगे, हम सब भूत बन जाएंगे. अगर हम बातों में उलझे रहे तो टाइम वेस्ट होगा. लेट्स डू समथिंग. मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं. गुड, आप सब लोग कोऑपरेट कर रहे हो. हम सब कोऑपरेट करेंगे तभी काम बनेगा. हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का. आ! हे, आर यू ओके? ये अचानक से तुम्हें क्या हुआ? मुझे मेरे गांव का नाम, मेरा नाम, कुछ भी याद नहीं आ रहा है. आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या?
मुझे भी अपने बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। कोई हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। लेकिन हमने तो कोई गलती नहीं की है, हम लोग तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। हमारा सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसलिए हम सब ऐसा कर रहे हैं। बट हमारे आइडेंटिटी को मिटा दिया है, कोई तो इसके पीछे है। ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो लोग और वो चाहते क्या है? क्या रे, हम लोग यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और तू है कि हंसते जा रहा है? तू क्या पागल है क्या? तुझे तो पहले ही मारना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, छोड़ दिया। चलो अब तुझे मार देता हूँ। प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। क्यों नहीं मारो पता? क्योंकि मुझे भूत दिखता है। ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है। सच बोल रहा हो? इस कमरे में आने से पहले ही मुझे भूत दिखाई दे रहा है। सिर्फ तुझे कैसे दिखाई दे रहा है? आप मारोगे तो नहीं ना? ठीक है बता। प्रॉमिस? नहीं, बता ना। बताता हूँ। मैं तो भूतों के बारे में जानता हूँ। भूत प्रेत मुझे नजर आते हैं, सच में सच में। ये मार खाने से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर पहले हम कौन है ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर इसे कैसे समझ में आया? मुझे समझ में आता है। हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब मैंने मेरे हाथ में खून देखा तो मुझे मेरे बारे में समझ में आ गया। हाँ, टेलीपैथी की तरह समझदार हो। तुझे क्या मैं पागल दिखता हूँ? इसे मत मारो, ये हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। ये पागल है। ये बहुत चालाक है, इससे हम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये क्या ज्योतिष है तेरी? तो डू यू हैव एनी अदर चॉइस? मैं मानती हूं। मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं। हो गया, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी खेल खेल की मार डालो। आपका नाम विजय बाबू? आप इससे पहले एक कंपनी में काम करते थे। आप इस कंपनी में सीईओ के इंटरव्यू के लिए आए हो। आप तो बहुत डरपोक इंसान हो। ये कुछ बताना चाहता है, हाथ दिखा।
You are a bad soul. ये हमारे कमरे में नहीं रहना चाहिए, इसे बाहर ले जाओ। Hey, मैंने तुझे सपोर्ट नहीं किया तो आई एम बैड सोल। उसे डांटो मत। Hey, I know what I'm doing. ये पागल की तरह हंसते रहता है, हम इसकी बात मानेंगे क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो प्लीज। मैं भूत देख सकता हूँ, ये मेरी बीमारी है। तू बोलना क्या चाहता है? मेरी बात का यकीन करो, जब मैं इस कमरे में पहली बार आया तो वो मास्क को देख के मैं हंस रहा था, उसके पीछे वो भूत छुपा था। जब मैं गिरा मतलब तुम मुझ पे नहीं हंस रहा था? तुम्हारे पीछे भी भूत था। मेरे पीछे था क्या? मतलब अभी है क्या? बोलना। नहीं अभी नहीं है ना? नहीं। तो हम में से किसके पीछे है वो? वो किसी के भी पीछे नहीं है। बस 10 मिनट बाकी, ये 10 मिनट के अंदर हम में से कोई एक मर जाएगा। हे, तुम क्या बोल रहे हो? हम जब पहली बार लाइट बंद हुई थी तब 3:10 हुए थे, और दूसरी बार जब लाइट बंद हुई तब 3:20 हुए थे। कोई ना कोई मरेगा, ये कंफर्म है, मेरी बात मान लो तुम। ये जरूर उस भूत की चाल है। ए संतोष, तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? यह काम हम में से ही किसी एक का है। पहला कत्ल उस भूत ने किया होगा, उसके बाद। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे बता सकते हो? उसकी गर्दन को देखो, उसे किसी ने काट दिया है। हम में से किसने किया, ये कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, हम एक दूसरे को चेक करेंगे, फिर आराम से पता चल जाएगा कि कौन है। समझ गया सर। तो हम सब यहाँ सर हिलाते रहेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहा है? कॉपरेट करो ना। ठीक है, ओके, लेकिन लेडीज का क्या? ठीक है, मैं चेक करूंगा। क्या? ओके ओके सर, हाथ उठाइए। अबे तू भी उठा। ए, तू मुझे चेक करेगा क्या? ठीक है, मैं चेक नहीं कर रहा हूं,
एक मुसीबत तो गया, चेक करो उसे। नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे एक बार और चेक कर लो। चेक करो। नहीं कुछ। हाथ उठा, चल हाथ उठा। अगर आपके पास लेगी तो मेरे चल हाथ उठा। ये क्या है? ये कैसे है? मैं नहीं जानता। तूने क्या सोचा, तू हमें बेवकूफ बना लेगा? हाँ? तुझे नहीं पता ना ये कहां से आया? मास्टर स्ट्रोक। नहीं, बहुत नहीं कुछ किया। चल अब बता, तूने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं मैंने कुछ नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बेवकूफ समझ रहा है? नहीं मैंने कुछ किया। तू साइको है क्या? ए, इससे बात क्यों कर रहे हो? इसे पकड़ लो, पकड़ लो इसे। ए, स्टॉप। ए, चाकू नीचे रखो, चाकू नीचे रखो, नीचे 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 रखो चाकू। मेरे पास चाकू है। नीचे रख दो, नीचे चाकू मेरे पास, मार दूंगा। चाकू नीचे रख दो। सुनो, मेरी बात सुनो। यस। तूने उसे क्यों मारा? जैसे तुमने मुझे वहां मारा वैसे मैंने मारा, आप समझा? तू क्या बोल रहा है? hey, तुझे इंटरव्यू के कंसेप्ट के बारे में नहीं मालूम क्या? आठ लोग रहेंगे इंटरव्यू में तो एक ही जीतेगा, सात लोग मरने चाहिए, बस मैं यही काम कर रहा हूं। इन दोनों को तुमने मारा ये हम जानते हैं, लेकिन वो पहला कातिल? अब मैं समझ गया, हम मानेंगे फ्यूचर सीईओ को बोनस दिया हुआ है। तो तू सीईओ बनना चाहता है? आजा 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 आजा। छोड़ दो उसे, ये क्या कर रहा है? छोड़ो उसे। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही पड़े रहो, तुम्हारा और एक शो बाकी है। छोड़ दो उसे प्लीज। हम बात करके समझौता कर लेते हैं। तू क्या समझौता करेगा? अगर गेम खेलने की कोशिश करेगा तो मार डालूंगा। कोई आवाज नहीं चाहिए, दर्शक बन के शो देख, समझ में आई मेरी बात? मेरी बात मान। जस्ट शट योर माउथ प्लीज, छोड़ दे प्लीज। ऐसा मत करो तुम, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? ओके ओके, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम तीनों ही हो। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वी आर गोना हैव सम। तुम सच में साइको हो क्या? आजा आजा मेरे पास, आजा। पीछे पीछे रहो, आजा। ए, पास बताना। तू आजा। सुन मत मेरी अब सारे चुप, दुनिया है मेरे आगे हारी चुप, ज्यादा बातें मत कर सुन मेरा कहना, वरना पड़ेगा तुझे हंस कर मरना। ना लेना मुझसे पंगा वरना पछताएगी तू। देखो पास बता, छोड़ो मुझे, जाने क्या होगा कोई ये बता दे, मन दिल का तो पता कोई, बे
बेचैन जिंदगी है बेचैन सपने डर लगता है कहीं खो जाए अपने जिए कौन मरेगा यहाँ बेचैन है सब लोग यहाँ सुन ले दिल से है मेरा ये कहना सुन ले तू सुन ले सुन ले बात मेरी सुन ले मेरी बात तू सुन ले मेरी बात सुन ले डर लगता है अब तो हो जाए न मंजिल छुपा है हम ही में हमारा ही कातिल लगता है अब तो हो जाए न मंजिल छुपा है हम ही में हमारा ही कातिल जैसा उसने बोला यू आर सो डैम ब्यूटीफुल मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था कि ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कम ऑन प्लीज आई वांट टू हैव सम प्लीज सब मर गए प्लीज छोड़ दो मुझे तुम पागल हो गए हो क्या ओ मीना कम ऑन चलो 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 या या ये ये हंस क्यों रही हो पागल हो गई हो तुम कोई या जिंदा नहीं रहने वाला समझे तुम सबको यहाँ मरना पड़ेगा हंसना बंद करो मौत तेरे सामने खड़ी है अब तक हम लोग सोच रहे थे कि सारे कत्ल इसी ने किए हैं लेकिन चाकू तो इसके पास है तो फिर इसे किसने मारा Thank you.
ये आवाज कहां से आ रही है? उस खड़ी से आवाज आ रही है। प्लीज मत जाओ। घबराओ मत। मैं देखता हूं उसे। ये एक नाइट विजन डिस्प्ले डिवाइस है। कैमरा की तरह है क्या? कोई हम पे बहुत देर से नजर रख रहा है। लाइट ऑफ होने के बाद यहाँ क्या हुआ था इससे पता चल जाएगा। सही बोल रही हो तुम। अंधेरे में जो हुआ होगा मालूम पड़ जाएगा। हाँ तो देखो ना। कौन हो तुम? वीडियो में कुछ नहीं था। तुमने सिर हिलाया था, मैंने देखा था। अगर तुम मरे हुए थे तो तुमने सिर कैसे हिलाया? और वो तुझे देख के हंस क्यों रहा था? कौन हो तुम? हिम्मत है तो अपनी शक्ल दिखाओ। दिखा ना। Thank you.
कौन हो तुम? तुम तो मेरी तरह दिखते हो। मैं कौन हूं? ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा क्लोन हूं। मेरा क्लोन? तुम्हारी सेल से मैं बना था। हा? मेरी सेल से? क्या बोल रहे हो तुम? तुम ही मेरे मालिक हो। मैं तुम्हारा मालिक? मैं सब भूल गया हूं। तुम्हें कुछ याद है क्या? तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे इस दिमाग में है। तुम सब जानते हो कि मैं कौन हूं? मुझे सब कुछ बताओ। हो मैं बताऊं? तुम तो टीचर की तरह सवाल करने लगे। हाथ क्यों पकड़ाया? सर पे सवार हो गए। बता दो प्लीज। हा? नहीं बता सकता। वो देखो वहां एक मरा पड़ा हुआ है। सबको मार के वो खुद सीईओ बनना चाहता था। सोच रहा हूं इस पूरी दुनिया का एक बुद्धिमान क्लोन सीईओ बने तो हा? तुम मेरी तरह हो इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ नहीं तो क्या करेगा? मारेगा? आजा आजा ना आजा आजा। देख मैं कौन हूं मुझे बता दे। ये तो लड़ना चाहता है। प्लीज आजा 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 आजा। इट्स योर टाइम।
तू मुझे गोली मारेगा? देख मुझे, कांप रहा हूं मैं। गोली मारेगा? मर, यहां गोली मारना। देख उसे, उस मुर्दे के जैसा हो जाएगा। मुर्दे के जैसा? प्लीज, मैं ये गन नीचे फेंक रहा हूं, बस इतना बता दे कि मैं कौन हूं। गोली मारी ना। प्लीज। गोली मार, गोली मारना। प्लीज बता दे, मारना। मैं गोली मार दूंगा। प्लीज बता दे, मारना, मार, 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 शूट मी यू बास्टर्ड। तुमने उसे क्यों मारा? अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो हमें मार देता। तुम पागलों की तरह बात क्यों कर रही हो? सिर्फ वही मेरे बारे में जानता था। मैं पागल हूं? तुम पागल हो? स्टैंडिंग लाइक अ शिवरिंग स्टैच्यू। डोंट राइड लाइक अ स्टूपिड वुमन। तुम मुझे स्टूपिड कह रहे हो? यू आर द वन स्टैंडिंग लाइक अ स्टूपिड। Instead of killing him, I should have killed you. Yes, I killed him. Yes, he was trying to hurt me. And if you try to do something, I will kill you all. Gando. No, don't come near me. गन दो। नो। दो। दो। एक मर्द अगर शांत रहे तो उसे बेवकूफ मत समझना, उसके पीछे हजारों कारण हो सकते हैं। दो, 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 दो। तू अभी तक जिंदा है? इतने जल्दी मर जाऊंगा क्या? यहां हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। तुम अगर अभी तक नहीं मरे हो तो यहां जो कुछ भी हुआ सब तुझे पता है। वो तुझे मारने की कोशिश कर रही थी, तूने खुद देखा ना। देख मेरी बात मान, हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। At your service, ma'am. क्यों ऐसे घूर रहे हो तुम लोग? आए थे अकेले, लेकिन हम दोनों साथ में हैं। I am a loyal and proud servant. आप लोगों को मेमोरी लॉस हुआ है, लेकिन हम लोग नाटक कर रहे थे। Thank you.
Shoot them off. Yes, ma'am. रेप के लिए 3 चॉइस और कत्ल के लिए भी 3 चॉइस. You are always my first choice, baby. मैम, I agree. आप दिमाग वाली हैं, बहुत दिमाग वाली. लेकिन just think, हम तीनों को मारने के बाद ही आपको भी मार देगा तो जरा सोचिए मैम. Hey! मैम, कितना भी पुराना वफादार नौकर क्यों ना हो, पैसा पद सबकी नियत खराब कर देता है मैम. Just think it. Don't waste time. Shoot her. Shoot. Think once, ma'am. तुम पहले खुद को मारो. मैम, ये पागल जैसी बातें कर रही है. तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मेरी बात मानो. Anything for you, ma'am. This time, I will keep it on you. Sorry, brother. Your time is up. Hey! Yeah, true. Really? The time is up. No, no. Please, मुझे मत मारो. I'm a girl. सच में लड़कियों को गोली नहीं मारनी चाहिए, लेकिन तेरी जैसी लड़कियों को नहीं. यहाँ हो क्या रहा है? द वॉल्स आर मूविंग. Please don't cry. तुम क्यों रो रहे हो? उन लोगों ने गलती की और तुमने उन्हें मार डाला, बस. Don't cry, please. Wait, I will see. तुम पागल हो गए हो क्या? उसे छोड़ दो. सच सच बताओ, मैं कौन हूँ ये मालूम होना चाहिए. घर का भेदी लंकट है और तुम सब यहाँ एक भेदी हो. और तुम लोगों को बताना ही होगा कि मैं कौन हूँ. बताओ मैं कौन हूँ. सुनो, मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं.
नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी गन में सिर्फ एक गोली है, जो सच बताएगा उसे छोड़ दूंगा। बताओ मैं कौन हूँ, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। ओके ओके, मेरा भरोसा करो, मैं सच में कुछ नहीं जानती। अंकिता, she is the one, ये सब जानती है, इससे पूछो। अच्छा एक्टिंग करती हो, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, सच सच बता दो। ओके ओके, ऑल राइट, मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये झूठ बोल रही है, इसका भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रही है। आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो नहीं। बिलीव मी, ये झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ, सच में। उसमें भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा भरोसा करो। नहीं, मेरा भरोसा करो। मैं साफ साफ बताओ, मैं सच कह रही हूँ, ये झूठा नाटक कर रही है। ओके, यू डोंट बिलीव मी, आई एम रेडी टू डाई, इट विल बी ऑनर फॉर मी टू बी किल्ड बाय माय हस्बैंड। ये नाटक कर रही है, मैंने कहा ना, ये नाटक कर रही है। प्लीज मेरा भरोसा करो, प्लीज 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 बिलीव मी, मैं कह रही हूँ ना, ये नाटक कर रही है, मेरा भरोसा करो। आई एम योर वाइफ, प्लीज मेरा भरोसा करो, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ। मैं किसी पे भी भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन रोने वाली महिला पे कभी भरोसा नहीं करता। You are a bloody loser. She was telling the truth. You kill your own wife. एक CEO की बेस्ट क्वालिटी क्या है जानते हो? You should be able to judge in truth and lie. अगर तुम जजमेंट नहीं कर पाते हो, Why are you here? Almost. I won the interview. You are alive? She's alive. मैं तुम्हें गोली मारने की कोशिश करता हूँ और तुम नीचे गिर जाना। How does it matter? इसमें तो बुलेट ही नहीं है। Don't do this. Sorry, miss. Late. Please C don't do. E. Oh.
अच्छा तुमने मुझ पर कैसे भरोसा किया? एक घंटे से हम लोग इस कमरे में हैं और तुम मेरी पत्नी होके भी तुमने मुझे नहीं बताया। सुनो, तुम्हारी तरह मैं भी कुछ नहीं जानती थी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, सिर्फ 7 मिनट बाकी है। तुम और मैं दोनों मिलके सीईओ बनेंगे। तुम मेरी बात मानोगे ना? मुझे मान लो। ये तुम क्या बोल रहे हो? अभी भी मुझे ये इंटरव्यू लग रहा है। वैसे इंटरव्यू हो भी तो मैं उसके लिए फिट नहीं हूं। जाने अनजाने में मैंने इन 4 लोगों को मार डाला। तुमने किसी को भी नहीं मारा। अगर सीईओ बनना है तो मुझे मार डालो। ये पागलों की तरह क्यों बातें कर रहे हो? चलो हम दोनों इस कमरे से बाहर चलते हैं। अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो तो वो चाकू मुझे दे दो, मैं खुद को मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे तो इस सोसाइटी में जीने का भी हक नहीं है। सिर्फ इतना बता दो कि मैं कौन हूं। प्लीज प्लीज बता दो मैं कौन हूं। बता दो, यू आर माई वाइफ। तुम्हारे पास चाकू है ये मैं पहले से जानता था। अच्छा होगा मुझे मार डालो प्लीज। तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कम से कम तुम तो जिंदा रहोगी। हाँ देखो मुझे मार डालो प्लीज। तुम क्या पागल हो? मैंने खुद को मारने की बात की थी लेकिन तुमने तो मैंने अपने आप को नहीं इस शरीर को मारा है। तो मेरे ऐसा क्यों किया तुमने? कांग्रेचुलेशन, यू तो जीत गए इंटरव्यू। Ha 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 ha
तक तुम लोगों को सीईओ नहीं मिला, लेकिन अभी तुम लोगों को मिला यह सीईओ भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि congratulations. You are the CEO of this company. मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुम्हें बहुत सारा पैसा और पोजीशन भी मिला है,
तो तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? टेल मी प्लीज, आई वॉन्ट टू नो। इसे इंटरव्यू कहते हैं क्या? कम ऑन ऐसे, ये कॉरपोरेट कल्चर है, एक को मिटाकर ही दूसरा आगे बढ़ सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उन 8 लोगों में तुम सबसे फिट हो। यू सर्वाइव्ड, सिंपल। अगर इस सीईओ पोस्ट के लिए मैं सेलेक्ट हो गया तो भी उन 7 लोगों को मार के मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए। वो लोग मर गए है, किसने कहा? उधर देखो, टर्न बैक। प्लीज, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूं? मुझे बता दीजिए प्लीज। हमने जो बताया उसमें आधा सच और आधा झूठ है। अश्विन ऑगस्टन, वो मर गया, ये झूठ है। वो और कोई नहीं है, इट्स यू, इट्स ट्रूथ। लेकिन तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? यस अश्विन, यू आर एन अक्यूट केस ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जब तुम पहली बार मेरे क्लिनिक में आए थे तब तुम कैसे थे जानते हो? डॉक्टर, मेरी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, कैसे हो आप? हेलो डॉक्टर, कैसे हो आप? कैसे हो आप? डॉक्टर, 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 कैसे हो आप? डॉक्टर, डॉक्टर, हाउ आर यू? मैंने कहा दिस इज माइन, ओके, अंडरस्टैंड? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक समझदार इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्या तुम जानते हो? जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं अश्विन। तुम अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते, और तुम कैसे भूत को जान गए?
वैसे एक वाइफ, एक क्लाउन, एक डरपोक, एक लवर, एक विलन और एक सरफिरी, ये सब गुण, ये सारे गुण ही तुम्हारे अंदर से पर्सनालिटी बनकर बाहर निकले। इस इंटरव्यू में तुम अकेले ही आए थे, उस हॉल में तुम अकेले ही थे। जिस काम पे तुमने जी जान लगाया था उसी काम के लिए तुम्हें वापस इंटरव्यू के लिए बुलाया था। 8 लोग इस इंटरव्यू के लिए नहीं आए थे, सिर्फ तुम थे। ये भूत है ऐसा डराया क्योंकि तुम खुद अपनी पर्सनालिटी को मारना चाहते थे। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन और हैलुसिनेशन है। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो तुमने देखा वो सब काल्पनिक था। अगर तुम ज्यादा प्रेशर लोगे तो अपने पर्सनालिटी को मारोगे, ये सोच के हमने उसे उड़ाया था। वो गन थी ये सच है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं थी। बिना बुलेट्स के तुम किसी को कैसे मार सकते हो? उन दीवारों को मूव किया क्योंकि तुम्हें प्रेशर देना था। तुम्हारे अंदर की जो पर्सनालिटी जो मर गई थी उसे वापस लाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। आखिर में जो भी बातें उस रूम में हुई थी वो सब तुम्हारे मन की बातें थी। तुम अश्विन अगस्टिन हो और अपने आप पे भरोसा है, तभी तुम यहां से बाहर जा सकते हो। अब तुम ही डिसाइड करो। वेल, मैंने पत्ता तो फेंक दिया और अगर इक्का है तो जीत मेरी होगी और वो इक्का तुम हो। ये एक एक्सपेरिमेंट है, टोटली स्नूकर बोर्ड जैसा। तुम्हारे गुण को क्लब बॉल्स की तरह पॉकेट में डाला और अगर तुम व्हाइट बॉल की तरह खड़े हो जाओ तो जीत मेरी होगी और अगर वो पॉकेट में गिर जाए तो इट्स अ फाउल। अश्विन, यू कैन डू इट। हिम्मत रखो, डोंट गिव अप। यू कैन अश्विन, कम ऑन। मंजिल की चाह में बेचैन हो रहा है मन मेरा, ओ यार अपना ही साया क्यों मुझको डराता है, किस पे भरोसा करूं अब तो यार। सुनो सुनो कहो कहो कहाँ है मंजिल, हमें ही तो खोया 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 है कातिल। हंसना माना रोना माना हुई क्या खता रे, मिला मुझे ये क्या सजा रे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास, सब हो गए क्लास। पहले तुम ये कमरे से बाहर आओ और तुम इस पर्सनालिटी के चुंगुल से बाहर आओ। लीव आउट ऑल योर फियर्स। डोंट गिव इन टू देम। पहले तुम अपने आप को पहचानो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। सी योर सेल्फ। Kill them all.
मंदिर की चाह में सबको मैंने मार डाला, फिर भी कुछ न पाया मेरे यार। क्या करूंगा लेके ऐसी शोहरतों की जिंदगी जिसमें ना रहे किसी का प्यार। सॉरी, कोई भी मेरे पास मत आना, तुम में से कोई भी सच नहीं है, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर आप जीत गए। डॉक्टर क्यों डॉक्टर, जीत गए ना, हैट्स ऑफ। आई एम परफेक्टली ऑल राइट डॉक्टर, मेरे अंदर की सारी पर्सनैलिटी खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड अश्विन। बड़े डॉक्टर से ऐसे ही बात करना, ओके, यू कैन टेक केयर, गुड। हु आर यू? I'm Ashwin Augustine, CEO of Triple of International. Good. Good. Good, Ashwin. Good. Meri treatment kamyab hui. Thanks to you, Doctor. फाइव ईयर्स, सच में बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नो नो, पहले मैं तुम्हारी कंपनी को थैंक्स कहना चाहूंगा। पांच साल अश्विन, पांच साल से तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें सपोर्ट करके, फिनेंस करके, लेकिन क्यों ये सारे सवाल मुझ पे उठ रहे थे? मैं क्या जवाब देता? तुम मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट हो और इसलिए मैं तुम्हारा दिल से ख्याल रखने लगा। आज मैं खुश हूं। एनीवे, फर्दर डिटेल्स बताता हूं मैं और आपकी ट्रीटमेंट शुरू करता हूं। ओके। आपकी आठों पर्सनैलिटी आप में से बाहर निकल गई। बस आप मुझे कंफ्यूज मत करना डॉक्टर, मैं तो पूरी तरह से होश में हूं। डोंट ट्राई टू फूल मी प्लीज। अश्विन, आप में आठ पर्सनालिटीज थी। नहीं डॉक्टर, टोटल सात ही थे। अश्विन मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप में आठ पर्सनालिटीज थी। एक क्लाइमेंट, एक क्लाउन, एक विलेन और एक कॉवर्ड और मेरी पत्नी।
मेरी लवर और वो बीच कुल मिला के 7 करेक्टर्स हैं। There is one more. कौन है डॉक्टर? वो क्या करैक्टर है? अ डॉक्टर। डॉक्टर? यस। अश्विन, अश्विन प्लीज डोंट गो अवे। अश्विन, अश्विन प्लीज कोऑपरेट विद मी। कम ऑन अश्विन, अश्विन, अश्विन प्लीज लुक हियर, डोंट लुक देयर। अश्विन, अश्विन। अश्विन Look here. डॉक्टर, व्हाइट बॉल अगर पॉकेट में जाए तो जीत मेरी होगी। <laughs>